जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो अभी पिछले वीडियो में जहां आपने देखा कि महत्वपूर्ण शब्द रूप कौन कौन से हैं और उनके कुछ महत्वपूर्ण जो उदाहरण हैं वो आप लोग पढ़ चुके हैं, तो उसी क्रम में आज हम देखेंगे कि धातु रूप जो होते हैं उनके कौन कौन से महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, ठीक, और किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं, ये सब अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। तो इस जो चर्चा होगी वो प्रश्नों के माध्यम से होगी, ठीक। तो लिखा है स्था धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन बताइए, ठीक। तो सबसे पहले इसको करने के लिए आपको ये जानना होगा कि भाई जो लट लकार होता है वो किसे कहते हैं, ठीक। तो लट लकार मतलब क्या है, वर्तमान काल, ठीक, और मध्यम पुरुष, ठीक। मध्यम पुरुष तो पुरुष तीन होते हैं, प्रथम, मध्यम, उत्तम, ठीक। और वैसे ही वचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक। तो जब आप ये पता कर गए कि लट लकार को का मतलब होता है वर्तमान काल, तो आप कोई एक धातु रूप याद करे होंगे। मान लीजिए आपने याद किया है पट धातु का, तो पट धातु का तो इसको आप यहाँ पे मान लीजिए आप पट धातु का पढ़ रहे हैं, तो पट धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, तो आप कैसे पठति पठता पठंती पठसी पठता पठत पठामी पठावा पठामा, ये तो हो गए लट लकार जो वर्तमान काल है पट धातु के रूप। तो हमें देखना है मध्यम पुरुष, ठीक। तो मध्यम पुरुष में हम लोग देखेंगे कि आता है, देखिए तीन ऊपर हो गए, उसके नीचे तीन, उसके नीचे तीन, यानी मध्यम पुरुष दूसरे नंबर पे आएगा, ठीक, लाइन से। मान लीजिए ये एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक। तो ये जो तीन ये लाइनें जो क्षैतिज माध्यम में पड़ी हुई हैं, तो एक दो तीन ये क्या हो गए, पुरुष अगर देखें तो, और जो एक दो तीन ऐसे हैं क्या हो गए, वचन हो गए। तो यानी पठति पठता पठंती पठसि पठता पठत पठामी पठावा पठामा, ठीक। तो हमको क्या ज्ञात करना है, मध्यम पुरुष बहुवचन, यानी मध्यम पुरुष यहाँ पे आएगा तो बहुवचन यहाँ पे आएगा, मतलब हमको ये वाला फाइंड करना। तो यहाँ पे क्या होता है, पठति पठता पठंती पठसी पठता पठत, ठीक। तो स्था है, स्था मत, तो इसका हो जाएगा तिष्ठता, ठीक। तो सेम टू सेम इसका हो गया तिष्ठता। ऐसे ही आप कोई एक याद करके बना सकते हैं, ठीक। ऐसे ही भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि लोट लकार को क्या कहते हैं, ठीक। ऐसे ही किसका हो जाएगा, भवन तो हो जाएगा, ठीक। एक आप याद कर लीजिए उसके आधार पे हो सकता है, ठीक। और फिर या धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, इसका या स्यसी हो जाएगा। इसी प्रकार पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, पठति से स्टार्ट होता तो पठति हो जाएगा। ऐसे ही भू धातु आप याद कर लीजिए, ठीक। इनमें जितनी धातुएं दी हुई हैं उनको आप जरूर पढ़ लीजिए, उनके रूप आपको याद हो जाएंगे प्रैक्टिस करने पर, ठीक। तो भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन भवता हो जाएगा। स्था धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन, तिष्ठे थाम तिष्ठे तिष्ठेमा हो जाएगा। पट धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, ऐसे ही आ गया। तो लिट मतलब भविष्यति, तो पठिष्यन्ति हो जाएगा ना। और गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन क्या हो जाएगा, गच्छतम हो जाएगा। ऐसे ही लिख धातु लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन, अलिखावः भुज का। इसी प्रकार ये आत्मनेपदी में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, भुंगते हो जाएगा। पा धातु लिट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, पिबथा हो जाएगा। स्था का लिट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन, स्था श्यामा हो जाएगा, ठीक। स्था का भी पूछा गया था पीछे। पा धातु देखिए यहाँ पे विधिलिंग लकार पूछ लिया गया, यानी चाहिए के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा। प्रथम पुरुष बहुवचन क्या होगा, पिबेयु, ठीक। स्था धातु देखिए फिर पूछ लिया गया, ठीक। इसका लेकिन यहाँ पे लंग लकार पूछा गया उत्तम पुरुष एक वचन, तो अतिष्ठतम हो जाएगा। ऐसे ही भू धातु लंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा, भवेयम हो जाएगा, किसके रूप भवति भवता भवंती की तरह चलते हैं। स्था ठीक धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा, तिष्ठा। द धातु लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, वो सॉरी द्विवचन का क्या होगा, दशथा, ठीक। ऐसे ही भू धातु देखिए फिर भू पूछ लिया गया, भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन भवता हो जाएगा। स्था धातु लंग लकार उत्तम पुरुष द्विवचन क्या हो जाएगा, अतिष्ठावः। ऐसे ही द धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या हो जाएगा, दध्यु भू, ठीक। ऐसे ही भू लोट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन क्या हो जाएगा, भवताम हो जाएगा, ठीक।
स्था धातु लिंग लकार उत्तम पुरुष अतिष्ठम हो जाएगा। इसी प्रकार इस धातु लिंग लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन क्या हो जाएगा, इच्छता इच्छत, ठीक है, क्या हो जाएगा, इच्छत। स्था धातु लिंग लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा, तिष्ठामि। वृद्ध धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या हो जाएगा, वर्धन्ते। द धातु लट लिट लकार मध्यम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा, दास्यसि। श्रु मतलब सुनना, तो इसका क्या हो जाएगा, लट लकार प्रथम प्रथम पुरुष के सभी वचनों में। तो श्रणेति श्रणतः श्रणन्ति, आपने अगर पठ का याद रखा है तो देखिए पठति पठता पठन्ति उसी प्रकार चल रहे हैं। वस धातु इसमें लंग लकार पूछ लिया, प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा, अवशत। ऐसे ही भू का अभवामा, ठीक, उत्तम पुरुष बहुवचन लंग लकार में। पा का विधिर्लिंग लकार यहाँ पूछा है, प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, पिबत, ठीक, तो और इसका पिबत हो जाएगा। और ईस धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या हो जाएगा, एस्यसि, ठीक। और ऐसे ही अस धातु लंग लकार का रूप उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में, आशम आश्व आश्म, ठीक। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण थे, ठीक, आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, ठीक। मैंने तो उत्तर जल्दी जल्दी पढ़ दिया, लेकिन आप अगर इनके सब धातु रूप अच्छे से याद करेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।